हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज के इस वीडियो में लेट्स टॉक। जैसे ही हमारा एडमिशन हो जाता है तो हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं। कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट होती है स्पेशली। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू मेरा एक्सपीरियंस कि जब मैं कॉलेज के फर्स्ट डे पे गई थी तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था और क्या क्या चीज़ें की थी कॉलेज के फर्स्ट डे पे, दैट थिंग। तो जैसे ही ट्वेल्थ हो गया तो कैप्रोन थ्रू कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो कैप्रोन थ्रू अलॉटमेंट हुआ था। सो मेरे ग्रेजुएशन का कॉलेज था, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी फॉर माई ग्रेजुएशन वॉज अलाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे कैप्रोन थ्रू मेरा एडमिशन हो गया। देन कॉलेज का फर्स्ट डे आया, तो कॉलेज के फर्स्ट डे में ट्वेल्थ तक तो हम बहुत ऐसे कॉम्पैक्ट होते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मोस्टली यूज़ नहीं करते बिकॉज ट्वेल्थ के कॉलेजेस भी अराउंड हमारे घर के आसपास होते हैं। तो मैंने बहुत ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया था, फॉर ग्रेजुएशन आई हैव टू यूज़ दैट। सो ट्वेल्थ होने के बाद जब ग्रेजुएशन का फर्स्ट डे था तो मैं कॉलेज गई विथ माई अम्मी। तो अम्मी के साथ कॉलेज गई बिकॉज आई वॉज न्यू टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मुझे पता नहीं था हाउ टू ट्रैवल। सो दे केम विथ मी टू टीच मी कैसे ट्रैवलिंग की जाती है और क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे पहुंचना है कॉलेज तक, बिकॉज वी नीड सम गाइडेंस, राइट। देन तो कॉलेज के फर्स्ट डे में सबसे पहले तो न्यू पीपल्स किसी को नहीं पहचानते हम लोग, न्यू एनर्जी रहती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को पीपल तुम तुम्हारे कॉलेज में मिलेंगे, बहुत वैराइटीज़ ऑफ पीपल। बहुत स्टूडेंट्स जो है अलग अलग जगह से आते हैं, कुछ लोग हॉस्टल लेते हैं, देन कुछ लोग अलग अलग मीडियम से रहते हैं। तो मेरे कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे क्लास में बहुत ऐसे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज थी। देन जब हम फर्स्ट डे क्लासरूम में हमको बिठाया था, देन दे आस्क्ड अस टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। अभी ट्वेल्थ के बाद वी डोंट हैव मच कॉन्फिडेंस कि कैसे करना है इंट्रोडक्शन, नेम बोलना है, प्लेस बोलना है, कहाँ रहते हैं, क्या बोलना है, तो ऐसा बिल्कुल पता नहीं होता है कि कैसे क्या बोलना है, कैसे करना है। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि ऐसे इंट्रोडक्शन करो, तो देन ऑफकोर्स सब थोड़े शाय होते हैं बिकॉज फर्स्ट डे पे मिल रहे हैं एंड देन खड़े होकर इंट्रोड्यूस करना एक दूसरे को। तो फिर इंट्रोडक्शन हो गया, देन टीचर्स ने इंट्रोड्यूस किया, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, देन कॉलेज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। तो बेसिक सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी एंड फार्मेसी क्या होता है, आप क्या पढ़ने वाले हो, एकदम छोटा सा ब्रीफ समरी जिसे हम बोलते हैं, वैसी सब चीज़ें बताई गई। देन फर्स्ट डे फुल डे तो नहीं रखा था बिकॉज फर्स्ट डे से ही टीचिंग करना तो नहीं शुरू कर देते हैं, बिकॉज हम थोड़े से प्रोसीजर के यूज़ थ्रू हो जाए इसके लिए उन्होंने बेसिक चीज़ें बताई। देन हाफ डे था फॉर मी, मेरे लिए तो हाफ डे था फर्स्ट डे, फिर हो गया। देन फर्स्ट डे तो किसी से इतनी कुछ बात हुई नहीं थी बिकॉज जब फ्रेंड्स बनते हैं थर्ड डे से या फिर इन अ वीक हम इतना थोड़ा सा टाइम लेते हैं प्रोसीजर करने को, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए एंड देन कम्फर्ट होने के लिए बात करने में, ऐसे सब चीज़ें। तो यहाँ पे अब मैं बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट डे पे कैसा होता है, हम ट्वेल्थ तक मोस्टली यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन इन कॉलेज कैसा हो रहता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, सिविल ड्रेस होता है। तो वी ऑलवेज ट्राई टू लुक प्रेजेंटेबल कि हम कैसे दिख रहे हैं, इस पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमने एकदम प्रेजेंटेबल ही दिखना है और ऐसे ही दिखना चाहिए, वैसे ही दिखना चाहिए, यही चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए एंड बहुत सारा एक्सपेंसेस करते हैं जो कि हमेशा एक बहुत सारे टाइम पे यूज़लेस एक्सपेंसेस में जाता है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें अभी पसंद आई है वो थोड़े दिन बाद नहीं पसंद आती। तो अगर तुम अपनी शॉपिंग कर रहे हो फॉर द कॉलेज तो यूज़लेस एक्सपेंसेस मत करना, सोच के एक्सपेंसेस करना कि ये चीज़ अगर तुम लॉन्ग रन में यूज़ कर पाओगे तो इसको बाय करना। देन उसके बाद जब अगर मैं ऐसी कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज में हमको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स मिलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऐसा फोबिया होता है कि हम फ्रेंड्स बना पाएंगे क्या कॉलेज में, बिकॉज बहुत टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है, इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट बहुत सारे, तो हम फ्रेंड्स बना पाएंगे। तो डोंट वरी बिकॉज इवेंचुअली जैसे ही हम एक दूसरे के साथ कंफर्ट होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा एक वाइब क्रिएट करते हैं अपने अराउंड। तो जो हमारे वाइब्स को मैच कर रहे होंगे फ्रेंड्स, वो ऑब्वियसली हमारे साथ फ्रेंडशिप करेंगे।
बिकॉज हो जाता है, तो तुम फ्रेंड्स भी बना पाओगे इजीली। तो अब मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि जैसे तुम एक कॉलेज में जाते हो तो बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, सक्सेस भी मिलती है। तो ये सभी चीज़ें इवेंचुअली टाइम टू टाइम होती है। तो एक परफेक्शन के पीछे मत भागो कि हमें हमेशा परफेक्ट रहना है हर चीज़ में। तो अगर तुम इम्परफेक्ट हो तो भी इट्स ब्यूटिफुल, बट एटलीस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। लाइक थोड़ा थोड़ा अगर तुम इम्प्रूव करोगे तुम्हारी पर्सनैलिटी को, वो आगे तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक कभी भी मत भूलना कि कॉलेज में तुम किस एम से जा रहे हो। लाइक तुम्हारा मेजर एम तो ऑफकोर्स स्टडी करना है। तुम कॉलेज जा रहे हो बिकॉज यू हैव टू गेट दैट डिग्री एंड स्टडी। तो तुम्हारे मनी जो तुम यूज फी पे कर रहे हो, वैल्यू दैट मनी एंड गेट गुड मार्क्स एंड गेट गुड डिग्री, बिकॉज वाई नॉट। लाइक तुम अपने 4 ईयर्स दोगे उस कॉलेज के लिए, उस स्टडी के लिए, तो क्यों अच्छे मार्क्स ना लाए। लाइक इट्स मैंडेटरी तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, एटलीस्ट तुम ट्राई कर सकते हो विथ ऑल योर हार्डवर्क। इसके बाद तुम कॉलेज में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, हर कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती है, तो ट्राई करना कि तुम मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाओ। भले ही तुम वो विन ना करो, बट एटलीस्ट यू विल क्रिएट सम मेमोरीज। वो मेमोरीज़ लाइफ टाइम तक याद रहती हैं, बहुत सारी मेमोरीज। देन तुमने ऑब्वियसली सोचा होगा कि कॉलेज ऐसा होगा, लाइक एक फिक्शनल कॉलेज होगा तुम्हारे माइंड में, बट लेट मी टेल यू, कॉलेज हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। लाइक एक फिक्शनल कॉलेज जो हमारे माइंड में होता है बिकॉज ऑफ द मूवीज़ जो हम देखते हैं, तो मोस्टली कॉलेज वैसा नहीं होता। इट्स मोर सिमिलर टू लाइक अ स्कूल। तो जैसे तुम्हारी स्कूल में एग्ज़ाम्स होती है, स्टडी करना पड़ता है, वही सेम रूटीन, वही सेम प्रोसीजर, तो वैसे ही वे में सभी चीज़ें होती है कॉलेज में। सो इट्स नॉट लाइक आउट ऑफ सिलेबस का टॉपिक हो जाएगा तुम्हारे लिए, बिकॉज तुमने स्कूलिंग की है तो ऑब्वियसली तुमको कॉलेज भी ईजी जाएगा। हाँ ऑफकोर्स थोड़ा फोबिया होता है बिकॉज हम न्यू चीज़, न्यू जगह और न्यू लोगों से मिलते हैं। लाइक गेट यूज टू इट, न्यू चीज़ों को फेस करो, न्यू पर्सनैलिटी के लोगों से मिलो, क्योंकि जब तुम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आओगे तभी तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ग्रो होगी, और पर्सनैलिटी ग्रो होगी तो तुम्हें आगे भी बहुत फ़ायदे होंगे। तो ये थी कुछ छोटी सी टिप्स फ्रॉम मी एंड मेरी कॉलेज की स्टोरी, लाइक फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा था। ऑल्सो मैंने अपने कॉलेज का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। अब रही बात कि मैं क्या कर रही हूँ करंटली, तो उस चीज़ के लिए यू हैव टू वेट फॉर अनादर वीडियो। आई विल डेफिनेटली मेक अनादर वीडियो ऑन दैट, एंड वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट आई एम डूइंग करंटली अदर देन यूट्यूब। होपफुली अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड इसे शेयर करो, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट, लाइक लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर द न्यू एडवेंचर यू आर गोइंग टू बिगिन, एंड स्टे एक्साइटेड एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।